अच्छा लास्ट टाइम न्यूमेरिकल याद करो, जो न्यूमेरिकल दिया गया था उसमें m क्रॉस n की सारी मैट्रिक्स इकट्ठी की गई, याद होगा कैपिटल m इज द कलेक्शन ऑफ r m क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड f, और हम कह रहे थे मेरी फील्ड जैसी दी जाएगी हम ऐसा बिहेव करेंगे, जब तक मुझको फील्ड नहीं कहा है तब तक हम f लिख के काम चला रहे, ये मेरी जनरल फील्ड f है। जिस दिन हम लोग कह देंगे ना कि आपकी फील्ड रियल है उस दिन मैट्रिक्स के अंदर की हर एक एंट्री कैसी भरी जाए, कॉम्प्लेक्स कह देगा तो हर एंट्री कैसी हो कॉम्प्लेक्स होगी, तो जब फील्ड कहेगा तब हम डील करेंगे। अभी हम जनरलाइजेशन डील कर रहे हैं कि अगर आप m क्रॉस n की सारी मैट्रिक्स इकट्ठी कर लो ओवर द फील्ड f, ये पूरा कलेक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या फॉर्म करेगा, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, और वेक्टर स्पेस दीपावली के पटाखे के साथ अगर प्रॉपर्टीज पूरी ना हो तो याद होना चाहिए कि कोई दिया गया सेट कैपिटल V ओवर F एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है, अगर V एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाए अबेलियन ग्रुप बनाए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, स्कैलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करे किसके ऊपर, वेक्टर के एडिशन के ऊपर, फिर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करे स्कैलर एडिशन के ऊपर, इसके बाद का एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड है, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू द फील्ड एस एंड फॉर ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल वी, ए इंटू अल्फा इसमें आना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड करे, इसके बाद फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द फील्ड एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द कैपिटल बी, ए इनटू बी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, मतलब चाहे पहले ए बी को आपस में ऑपरेट करा लो फिर अल्फा पर ऑपरेट कराओ, चाहे पहले बी को अल्फा पर ऑपरेट करा के फिर किसको कराओ, रिजल्ट आपस में कैसा आना चाहिए बराबर। और प्रॉपर्टी बोलो, देयर एग्जिस्ट अ वन बिलोंग टू द फील्ड एफ सच दैट For all alpha belong to the capital B, 1 into alpha is equal to again alpha. इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करता था तो मेरे पास वेक्टर स्पेस जनरेट होता है, याद है, जिसमें हम लोग इसके लिए शायद 5 प्रॉपर्टी दिखा चुके थे, एक्सटर्नल भी दिखा चुके थे, एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड हो चुका था तो बस डिस्ट्रीब्यूशन बचा था, चलो वो भी निकाल दो। मेरे ख्याल से पहली प्रॉपर्टी 5 के साथ अबेलियन ग्रुप, दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटर्नल कंपोजिशन, तीसरे के अंदर में सारा काम होगा। थर्ड प्रॉपर्टी में पहला लिखा, तीसरी प्रॉपर्टी में पहला, पहली प्रॉपर्टी में हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस पर, वेक्टर के एडिशन पर, लेकिन याद करो आज मेरा सेट कौन है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन, तो जो वेक्टर चुने जाएंगे वो कौन होंगे, मैट्रिक्स होंगे, यानी हम दो लेंगे a कॉमा b बिलोंग टू द कैपिटल n m क्रॉस और फील्ड से एक मेंबर लेंगे दैट इज द a, a बिलोंग टू द फील्ड f, और मुझको दिखाना क्या है a into a plus b is equal to a into a plus a into b, ये दिखा, इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पर, वेक्टर के एडिशन, क्लियर है ये बात, चलो पुरानी बात किसी को याद है, हमने कहा बाहर एडिशन होता है तो मैट्रिक्स का होता है, और वही एडिशन जब अंदर जाता है तो मैट्रिक्स का नहीं बल्कि किसका होता है, एलिमेंट का एडिशन, याद आया, वो एडिशन भी बदल रहा था अपना, पहला फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द फील्ड एस एंड फॉर ऑल कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, और दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किससे, कैपिटल एन एम क्रॉस एन, नोट करो नोट करो। A into A plus B, can be written as A into, क्या कोई A plus B बताएगा, A plus B within bracket A I J plus कितना B I J, और क्या दोनों quarter same है तो conformable for addition, this is equal to A into,
क्या लिखें, न्यू मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर आज भी एम क्रॉस एन का ही रहेगा, मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज इक्वल टू, ये बताओ जब किसी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं नंबर का, तो हर एक एलिमेंट पर उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी आप लिख सकते हो ए इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे, सही या गलत? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे ख्याल से एक बात याद आनी चाहिए, बोले याद होना चाहिए, ये बताना जो मैट्रिक्स में बना रहे हो कैपिटल एम एम क्रॉस एन का ये जो कलेक्शन बनाए हो इधर इधर इधर, इस कलेक्शन के अंदर जितनी मैट्रिक्स ले रहे हो, मैट्रिक्स के अंदर की जो एंट्री ए आई जे है वो हर एक एंट्री आर कहां से रही है? फील्ड एफ से। ये जो ए तुमने चुना है ये ए भी किसका आ रहा है? फील्ड एफ से। बी आई जे भी किसका है? फील्ड का ही मेंबर। क्या ये तीनों मेंबर फील्ड के हैं? फील्ड में तुम ऑलरेडी एक बार कह चुके अगर कोई चीज फील्ड है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, कह चुका इस बात को, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है तो सोचो ये दोनों भी किसके? फील्ड के। ये वाला भी किसका? फील्ड का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करेगा तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए आई जे प्लस ए इंटू बी आई जे, हाँ या ना? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन द फील्ड एंड ए ए आई जे बी आई जे ऑल बिलोंग टू द फील्ड, सहमत है इस बात से? A comma A I J comma B I J all belong to the F and in F distributed the holds। देखो हम नहीं जान रहे हमारे यहाँ कॉलेज में या फिर कहीं पर भी जहाँ तुम लोग और पढ़े होंगे ये बातें ऐसे लिखाई गई हैं कि नहीं लिखाई गई, वो सीधे ये लिख करके A into capital A into capital B कर देते होंगे, हम उसको नहीं मानते, ठीक है? जब आप पहली बार कोई चीज लिखो बाद में आप लिखो खुलेआम लिखो इसको, हम भी लिखेंगे, हर बार हम ये बात थोड़ी बताएंगे, लेकिन आज मेरे पास ना कहा जा रहा है हमको कि आप साबित कीजिए ये एक बेटर स्पेस होगा, तो आप जितने assumptions लिखोगे ना आपको हर assumption दिखाना पड़ेगा क्यों होल्ड हो रहा, आपको गवाही देनी पड़ेगी ये क्यों होल्ड हो रहा। एक बार ये चीज आपके जिम्मे आ गई कि हाँ ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, आप एक को बात ना लिखो ना सब मानी जाएगी, लेकिन एक बार पहली बार में आपको बताना पड़ेगा ये तीन के तीनों मेंबर जो आपको आज अलग अलग दुनिया के नजर आ रहे हैं, आपको ए आई जे नजर आता है कि ये किसका है? मैट्रिक्स का। बी आई जे किसका है? मैट्रिक्स का। नहीं, मैट्रिक्स के अंदर की हर एंट्री किसकी है? फील्ड की है। जब सारी एंट्री फील्ड की है मेरे द्वारा चुना गया स्मार्ट ए भी किसका है? फील्ड का है। फील्ड के अंदर तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मानते ही, तो अब ये तीनों लोग एक साथ बैठे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को मानने से इनकार कर देंगे, अब भी माने लिखना पड़ेगा, ये तीनों एफ के हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होल्ड करता है किसमें? एफ के अंदर। तो आप ये लिखो। अच्छा जब आप ये लिख सकते हो तो आप मैट्रिक्स को तोड़ के दो हिस्से में बांट सकते हो कि नहीं? यानी अब तो आप ये भी लिख सकते हो, और करना दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए ए आई जे प्लस फिर कितना ए बी आई जे, क्या ए को बाहर निकाला जाए तो ये कौन बचा? मैट्रिक्स ए आई जे दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए, और क्या ए को बाहर निकाले कौन बचा? कहां से चले ए इंटू ए प्लस बी, और पहुंचे कहां? ए इंटू ए प्लस ए इंटू इंप्लाइज दैट स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन, यहां से तय होता है कि स्केलर का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो अगली वाली बात होगी ना, अगली वाली बात कौन सी होगी? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्केलर एडिशन, उसमें हमको ये तामझाम नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें नहीं लिखेंगे। जब यहां लिख दिए यही बात तो वहां भी लिखनी है, वहां सीधे क्या देंगे? कुछ हम पाले हैं कुछ किस्मत पलवाई बैठी हुई है, कुछ नहीं हुआ रहे सहे चल रहे, अपने को पता नहीं था आपको ये लगा मेरा शुगर बढ़ा। अच्छा ऐसी फील आई, बाल झड़ रहे थे, भूख झड़ रहे थे,
ऐसे चल रहे थे कि अगर उससे नीचे कर तो मेरा चांद नजर आ जाएगा। इतनी कंडीशन में उसके लिए डॉक्टर के पास आपने समझ एक नहीं पर दिखा दी, वो इसके दीपावली पहले यहाँ पढ़ाने आते इवनिंग बैच में डॉक्टर उलझन नहीं चालू अपने को लगा मुझको शुगर, लेकिन हो कैसे सकता है 4000 बरस से गुजरे हैं 8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो सवाल ये हमको शुगर कैसे, लेकिन फिर भी डेड शुगर चेक करा ली। कुल डॉक्टर 6 महीने दिखा लिए, दांत बैठ रहा है, सब हो रहा है, सारे सिम्टम्स हैं, सबको दिखा लिए, वो न्यूरो को शिफ्ट कर दिए कि आपको न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरो चले जाएंगे, उधर भी चले गए, जो कहते हैं ना डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर लिया, न्यूरो चले गए वो भी दवा कर लिए, वो हमको ईईजी टेस्ट लिखती है, उसके बाद बाकी टेस्ट वेस्ट लिखिए, सीटी स्कैन वगैरह मेरे पापा चलता वो भी करवा देते, हम नहीं कराए, हम कहें हमारे पैसा नहीं बढ़ा, हम नहीं पूछे 1500 रुपया उसका 2500 उसका नहीं दिए, ठीक बैठे रह गए। उस दिन ये डर लगा कि बाल झड़ रहा है, शुगर हो गया, गए चेक कराए, पता चलता है खाने के पहले का शुगर 50 है और खाने के बाद का 70 है, लो हो गया। अब मुझको पहली बार पता चला लो शुगर नाम की भी कोई बीमारी, हमको एक पता था शुगर या तो लेवल में रहता है या तो हाई होता है, लो शुगर हो गया, कह रहे कितने दिन से हम, 6 महीना हो गया, गए अब तक तो भर्ती हो जाना चाहिए था, हम क्या बचे हैं तो क्या करें, हो जाए भर्ती, उसके बाद अब पता चल रहा है कि जो बाल बाल झड़ रहे थे ये उसकी वजह से हो रहा था। अब ठीक है ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से कब शुक्रवार को ना कांचा बनकर के आना पड़ेगा, आज छिला देंगे पूरा बाल, तभी तो बचेगा नहीं जाएगा सब, लेकिन हम कांचा बन के आए नहीं, अपनी टोपी लगा के आए। चलो सेकंड वाले में अपने को क्या कहना है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पर, स्केलर के, तो आपकी कितने स्केलर चुने, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द फील्ड एफ एंड फॉर ऑल कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे बिलोंग टू द कैपिटल एम एंड क्रॉस एम, a plus b into capital A is equal to a plus b into matrix a r। अच्छा ये बताओ सोच के जवाब, a कोई स्केलर, b कोई स्केलर, दोनों का सम क्या होगा, स्केलर, किसी स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे हर एक एंट्री पर यही स्केलर मल्टीप्लाई होगा, यानी आप इसको लिख सकते हो बड़े इतना से a plus b अंदर में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a i j। अच्छा ये बताओ ए फील्ड का, बी फील्ड का, ए आई जे फील्ड का, अभी अभी तो कह के आए हैं फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव का होल्ड होता है, तो अभी ए आई जे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पर, ए और बी पर, तो क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए आई जे और प्लस अगला पर बी इंटू ए आई जे, बोलो क्या हम इसको तोड़ के दो हिस्से में ये नहीं लिख सकते, ए इंटू ए आई जे और प्लस बी इंटू ए आई आया ना, ए तो स्केलर क्वांटिटी है, ए को बाहर निकाल दे, अंदर कौन बचा ए आई जे, अच्छा बी को बाहर निकाला जाए अंदर कौन बचा ए आई जे, बोलो ये कौन, ये ए इंटू कैपिटल ए प्लस ये कौन कैपिटल ए, क्या आपकी क्या हुआ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस पर स्केलर के एडिशन से, इंप्लाइज दैट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का कोई इसको करने कोशिश नहीं किया करते, सारे लोग लिखते किए थे, हो ही नहीं सकता वो यहाँ नहीं लिखते, हो गया ठीक है, अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अनस ट्राई नहीं किए थे, अच्छा दूसरे तरीके से तुम सीधे मैट्रिक्स लेकर अच्छा नहीं नहीं फील्ड वाला हिस्सा ना अभी कहा नहीं गया फील्ड का, तो फील्ड रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, उसको एफ से ही लेकर, अरे ये गड़बड़ हो, मैट्रिक्स का कलेक्शन फील्ड नहीं बना सकता, बनाएगा ट्राई कर लो, मैट्रिक्स का कलेक्शन क्या फील्ड बना सकता है, सोचो मैट्रिक्स का कलेक्शन इसलिए फील्ड नहीं बनाएगा ना, अपने को एडिशन के लिए अबेलियन तो मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूट नहीं करता, इसलिए नहीं बना सकता, रोक लगता है।
अगला नियम तीसरा है a into b bracket में into alpha is equal to a बाहर b alpha bracket के अंदर। चलो हो गया, वो तो हटाया है सबका, हो गया। थर्ड में थर्ड, तीसरे में तीसरा, और ये कॉमा ए बिलोंग टू द फील्ड एफ एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे बिलोंग टू द कैपिटल एम एम क्रॉस। चलो शुरुआत करते हैं। ए इनटू बी इनटू कैपिटल ए इज इक्वल टू A into B into matrix A I देखा जा सकता है। अच्छा ये बताओ B स्केलर है कि नहीं, स्केलर पहले B को अंदर भेजे, B को अंदर भेजोगे तो कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू A into B into A I आया ना, लिखा जा सकता है। और अगर ये लिखा जा सकता है तो दिस इज, या अगर तुमको ऐसा लगे नहीं लिखा जा सकता तो गौर करना, जिनको ये दिक्कत लगे नहीं हम तो ये बात जानते ही नहीं, वो पूरा ए बी उठा करके अंदर भेज दो, हमारे पास दोनों रास्ते खुली छूट है। तो पूरा ए बी अगर अंदर भेज दोगे तो ये क्या ए बी इफेक्ट के अंदर जा रहा है, ए बी ठीक है इनटू कितना ए आई जी। अब यहाँ से हम डील कर लेंगे, ए किसका मेंबर फील्ड का, बी किसका मेंबर फील्ड का, ए आई जी किसका मेंबर फील्ड का, और एफ कौन है, यही एफ ही तो फील्ड है। एफ मल्टीप्लिकेशन के साथ, अगर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी को निकाल दो तो क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। सोचो ये तीनों मेंबर ए बी और ए आई जे किसके हैं फील्ड के, और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो ए इनटू बी ए आई, सही या गलत, बिकॉज एसोसिएटिविटी होल्ड इन द कैपिटल एफ, यहां लिखते हैं सिंस ए कॉमा बी कॉमा ए आई जे belong to the F, and F is field, so associativity, holds, इसलिए associativity hold करेगी, और hold करेगी तो अब मेरे पास सीधा रास्ता है, क्या हम A को बाहर खींच लें, इधर, क्या A को बाहर निकालें, ये पूरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर का ये एलिमेंट है, और हर एलिमेंट पर ए का मल्टीप्लाई है, तो क्या कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, ए के बाहर आते ही अंदर कौन बचा, बी इंटू ए आई, यही बचा कि नहीं, हम चाहे तो ऐसे लिखे, हम चाहे ऐसे लिखे ए इंटू मैट्रिक्स बी ए आई जे, अभी भी कुछ गड़बड़ी है, सेम बात लिखी गई है, अब बी को बाहर निकालो, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू ए, और इसको क्या लिख सकते, कोई तुमको ये कह सकता है ये सारा अतिक्रम फालतू का है, एक लाइन में करके नहीं पड़ता, कोई ये कह सकता है, जिसको भी जल्दी फुर्सत चाहिए वो कह सकता है ये सारा अतिक्रम फालतू का, आप ये सब नहीं करो, लेकिन सामने वाले ने कह दिया ना ये काम आप कर किससे रहो ना, और आपको बोला नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता, वो मेन बात है पता मुझे, एक्चुअली आप मैट्रिक्स और स्केलर लेकर के चल रहे हो, लेकिन काम तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के बीच में हो ही नहीं रहा, काम तो हो रहा फील्ड के एलिमेंट के बीच में, और सारा काम हो रहा फील्ड के नियम से, बाद में वो अलग बात है कि आप अपने उसी नियम पर आ जा रहे हो जो नियम आपको चाहिए, तो ना मेन बात आपको ये ना, आपको अंदर का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, आपको पता है जनरेटर के अंदर में आप धड़धड़ धड़धड़ मार दिए दो हैंडल चल गया घर में बिजली आ रही है, अंदर का मैकेनिज्म आपको पता नहीं है, अंदर का मैकेनिज्म नहीं पता, तेल डालने की जगह तुम पानी डाल दिए और चलाओ जनरेटर, लगे हो तुम हैंडल पे हैंडल देते रहो, अरे इसका मतलब नहीं कि जनरेटर चलाना है तो बिल्कुल जनरेटर का मैकेनिक बना देना, लेकिन आटा दाल चावल का भाव पता होना चाहिए कि वो पानी डालने से नहीं चलता, वो डीजल डालने से ही चलेगा, डीजल पेट्रोल जो भी जैसा भी जनरेटर हो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये होल्ड हुआ, आखिरी कौन बचा, आखिरी चलो इसकी भी शुरुआत कर देते हैं, बताया जाए तो
हिसाब से कराना। इसमें सीधे कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे ग्राफ का कैपिटल एम एम क्रॉस ये बताना आप एफ को ऑलरेडी फील्ड कह चुके हो। अगर एफ को ऑलरेडी फील्ड कह चुके हो और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अभी नजर आ रहा है तो जब तक वो पर्टिकुलर नजर आए तब तक पर्टिकुलर बात करें चलेगा। पर्टिकुलर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी कौन होगी तो उसमें होगी कि नहीं। जब फील्ड कह दिए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होगी तय हो गया। और अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो बात करना हम ऐसे करें नॉर्मली। चलो हम नहीं कहते कि मेरा ऑपरेशन जनरल मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको कह रहे हैं कि कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो प्री डिफाइंड है पहले से ही। तो हम कहते हैं एफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ एक फील्ड बनाता है जहां पर बताई बात है एफ नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर ना लिखना चाहे तो हम कैसा लिखें, हम लिखेंगे डियर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू द फील्ड एफ सच दैट E into A is equal to again A is equal to A into E for all E belong to the field. For all A belong to the field. Field में belong करने वाले किसी भी element के लिए यहीं पर multiplicative identity E हो। अब हम one नहीं कह रहे। अगर हम इसको particular इसे particular usual multiplication जो हम लेते हैं वो मान के चले तो हम E नहीं तब हम क्या लिखेंगे one। क्लियर है, लेकिन अगर ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ना होकर ये कोई और से डिफाइंड हुआ तो क्या हम इसको इसको ई लिखना ज्यादा बेहतर होगा कि नहीं, तब हम ई लिखेंगे क्योंकि तब हम कहेंगे ना कि अगर ये फील्ड है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। और अगर आइडेंटिटी होगी तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट को चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ चाहे राइट से एलिमेंट एज इट इज छूट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आज की तारीख में जब हम यूजुअल यूजुअल सारे सोच करके चल रहे हैं तो क्या हम सीधे सीधे वन को बिलोंग नहीं करा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं डियर एग्जिस्ट यही मौजूद होगा वन बिलोंग टू द फील्ड एफ सच दैट ये आप लिख सको वन इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू वन इंटू ए आई जे इज इक्वल टू मान लेना वन इंटू ए आई जे। और ये बताओ वन किसका मेंबर ए आई जे किसका मेंबर और फील्ड में मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आप क्या ले रहे हो क्या कोई फर्क डालेगा इसका मतलब क्या छोड़ेगा ए आई जे और वास्तविकता में ए आई जे है कौन वन इंटू ए इज इक्वल टू अगेन सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई इसका मतलब आपका दिया गया कलेक्शन ओवर द फील्ड एफ क्या फर्क करेगा अब तुम हमेशा याद ये लाइन जो लिखी गई ना इसको घेरे के अंदर मिला रहा हूं और ये तुमको हमेशा याद रहना चाहिए m क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन ओवर द फील्ड f एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ हमेशा क्या फॉलो करेगा वेक्टर स्पेस फॉलो करेगा। ये बात तुमको हमेशा याद रखनी चाहिए। सुबह से घर पे टाइम नहीं मिला दवा डालने 10 बजे से आए पहली बार दवा डाल रहे हैं दिन में 8 बार डाल रहे
सोच सकते हो ना। लोग कहते हैं ना तुम्हारी आदत ही नहीं है ना, तुम चाहो तो टाइम में इतना पढ़ाते पढ़ाते डाल सकते हो, जब बढ़िया नहीं काम कर रही हो उधर तो कहाँ से करो, चल रहा है। जबकि पता है रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है वो पता है, जब भी कहाँ से हाँ यार दिलाते रहे एक रो है दो कॉल ओवर द फील्ड नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन फील्ड ही नहीं कहा रियल, हाँ ठीक है रियल लेवल ओवर द रियल नंबर से का ठीक। अब ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं तुम्हारे पास आने इसको पहले लिखना, तो उसको लिखने से पहले ना मेरे साथ आओ। हमने कहा कैपिटल एम एम क्रॉस एन ओवर द एफ विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज वेक्टर स्पेस, यही कहते आए हैं। जहां हमने ये कहा है कैपिटल एम कलेक्शन है सारी की सारी एम क्रॉस एन की मैट्रिसेस का और एफ कौन है फील्ड, इसके अंदर जितनी एंट्री भरी गई है वो कहां से भरी गई है फील्ड से, यानी कि फॉर ऑल ए आई जे इन कैपिटल ए एम क्रॉस एन दिस ए आई जे बिलोंग टू द फील्ड एफ, मतलब इधर बात समझो इस दी गए पूरे कलेक्शन में जितनी मैट्रिसेस हैं हर मैट्रिक्स के अंदर में आपने जितनी एंट्री भरी है वो एक एंट्री आप कहीं बाहर से नहीं लाए, सब की सब कहां से लाए फील्ड एफ से लाए, तब आप कहते हो कि ये वेक्टर स्पेस बना देता है ठीक। अब इसका मतलब कल को कोई मुझसे पूछे कि हम कलेक्शन ले रहे हैं कैपिटल एम 5×6 का ओवर द रियल सेट आर, हमने कह दिया जिसके अंदर जितनी भी एंट्री भरी जा रही है सब की सब कहां से भरी जा रही है आर, क्या ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस बनाएगा, तुरंत बनाएगा सोचने की जरूरत नहीं, हम इसी को बदल रहे 8×10 8×10 का जितनी एंट्री भर रहे हैं कहां से भर रहे हैं आर से, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा बनाएगा, हम इसको क्या कह दिए कैपिटल क्यू ठीक, क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा बनाएगा क्योंकि आप इसके अंदर की हर एंट्री कहां से भर रहे हो कैपिटल क्यू से भर। अगर हम इस फील्ड को यहां से हटा के सोचो आज तक जो हम फील्ड चुन रहे आर चुन रहे हैं क्यू चुन रहे हैं ठीक है, हम इसके अंदर में फील्ड रखती है कैपिटल सी बनाएगा बनाएगा क्योंकि इसके अंदर की हर एंट्री कहां से भर रहे हैं सी से, समझदार आदमी जान रहा है हर बार एक ही अपने बचत का काम करें इसके अंदर की हर एंट्री वही फील्ड से ला रहे हैं बाहर से नहीं ला रहे किसी किसी अनदर फील्ड से नहीं ला रहे, जितनी एंट्री आ रहे हैं सब यहीं से ला रहे हैं कि नहीं ला रहे ठीक है। अच्छा अब ये सोचना अगर इसी की एंट्री लेकर के आ रहे हैं और यहां हम ऑर्डर बदलते जा रहे हैं तो हम कभी फेल हो रहे हैं नहीं, हमेशा पास हो रहे हैं अब तक हमको कोई दिक्कत ठीक। अब ये सारी कहानी हटा दी है और अब की बार हम सेट लेते हैं कैपिटल आर एम क्रॉस एन ओवर द सी, इसका मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये कलेक्शन है दैट इज ये कलेक्शन कौन है कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन, गौर से सुनना कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड सी, कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड सी, नाम क्या ले रहे हैं इस बार रियल मैट्रिसेस, रियल मैट्रिसेस का मतलब आप यहां से जो भी मैट्रिक्स निकालो एम क्रॉस एन की उसके अंदर की एंट्री a11 a12 सो ऑन a1n से चलते हुए am1 am2 सो ऑन amn, यहां हर एक aij काउंट है। और फील्ड मैंने कैसी चुन ली, सवाल हो गया कि नहीं, कॉम्प्लेक्स की फील्ड चुनने का मतलब है ना आप सबसे पहला ही धोखा खा चुके हो एक्सटर्नल कंपोजिशन फील्ड नहीं, जरा कॉम्प्लेक्स की दुनिया से आयोटा चुनो, कॉम्प्लेक्स की दुनिया से आयोटा चुन के मल्टीप्लाई करो हर जगह आयोटा आ गया कि नहीं आ गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन कह रहा था आई बिलोंग टू द आवर फील्ड सी मैट्रिक्स कैपिटल ए बिलोंग टू द आवर मेन कलेक्शन एम क्रॉस एन, लेकिन आई इंटू ए करते तो ये कहां आना चाहिए था रियल सी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन आनी चाहिए, क्या अभी ये रियल मैट्रिक्स आई है कैसी मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स है बाहर चला गया कि नहीं, जबकि एक्सटर्नल कंपोजिशन में कहा गया था फील्ड का मेंबर लाओ मेरे दिए गए मेन सेट का मेंबर लाओ ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट कहां होना चाहिए मेन सेट में होना चाहिए
क्या मेन सेट में रिजल्ट आया, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? नहीं बना। इनकार है कि नहीं? समझ में आई बातें? लिखा जाए अच्छा, ये जो ऊपर एम क्रॉस एन लिखा है ना, ऊपर एम क्रॉस एन थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, नीचे होना चाहिए, इसको नीचे कर देते हैं। हालांकि मेरे लिए कोई दिक्कत का काम नहीं है, सिंबल हम दे रहे हैं ना, तो हम सिंबल के बारे में बता रहे हैं कि सिंबल का मायने क्या। जब तक आप सिंबल का मायने नहीं बताओगे, जबरदस्त धोखा है, तब तक धोखा है, तब तक आप नहीं कर सकते। आप ऊपर लगा दो ना चलेगा, काटना पीटना मत। आर जैसे चलो हम ही लिखते हैं, कई लोग पढ़ोगे हम तो काट। आर एम क्रॉस एन ओवर द सी, दैट इज कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, चल रहा है कि नहीं ऑन किया ना, कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस, collection of R m plus n real matrices over the complex field, over the complex field over the complex field is not a vector space. ये कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता। एक्सप्लेनेशन में हम केवल काउंटर कर देंगे, बस एक एग्जांपल देके काउंटर एग्जांपल देंगे। एक्सप्लेनेशन इसको ब्लैक पेन से लिखना, और अगर ब्लैक से नहीं लिखोगे बाय द वे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फिर ये पता रहेगा कि ये लोग नहीं बना मैट्रिक्स। पहली बार बता रहे कहा हम लोग इसी डायमेंशन पर पढ़े थे, कहीं और पढ़े थे, हैरी पॉटर वाली डायमेंशन, इसको हम नहीं बताए। एक्सप्लेनेशन में लिखा फॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू, चलो ये बताना एम क्रॉस एन की बात कर, पर्टिकुलर में दिखा दे चलेगा, 2 क्रॉस 3 किसी पर्टिकुलर में तुम्हारी मर्जी, एम रो एन कॉलम ले लेना। कई लोग तो अच्छा बताओ इंटरेस्ट की मांग है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, झूठे वाला आ रहा है। एक लोग ईमानदारी बता रहे नहीं आ रहा, कोई सही ईमानदारी बोल रहा नहीं आ रहा। इधर लड़कों के झुंड में नहीं आ रहा, वो ना आने का एक जो सॉलिड रीजन होता है ना, एक होता ना साइंस कहता है तुम्हारी समझ 2 साल पीछे चल, ये तो साइंस ही कहता है। देखो इंटरेस्ट अपने आप से नहीं आता, पहले जाओ ना, ये अपने आप से नहीं आया, तुम पूरी दीपावली की छुट्टी बिता दिए हाहा ही ही हूहू में ना, तो कहाँ से आएगा? जब तुमको एक को प्रॉपर्टी याद नहीं, ये बताओ ईमानदारी से हमको, तो 2 मिनट वीडियो रोक दे, काहे तुम्हारी बातें बाहर जाए ना, बेइज्जती घर में ही हो ज्यादा अच्छी। बहुत अंतर है, पगलाना बगवाना सठियाना ये 3 चीजें होती हैं, बहुत अंतर होता है। तुम लोग अभी बगवाने वाली कैटेगरी में हो, चलो इधर वापस इधर सुनो, मैट्रिक्स कैसी चुननी है अब साथ साथ बोलो, नहीं तब खपड़ियों को कर क्लियर। यहाँ लेते हैं 2, 3, 4, 8, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब हम इनको किस दुनिया से लेकर के आए होंगे, इसकी चर्चा करने जा रहा, चर्चा इसकी एम क्रॉस एन करना है ना, तो एम क्रॉस एन में या तो मानो या तो पर्टिकुलर मानो, यही ना हम इसके लेकर के आ रहे। अच्छा एंड अगला एलिमेंट कहाँ से चुनेंगे, इसको हम लिखते हैं दिस बिलोंग टू द आर, लिख दे रहे हैं 2 क्रॉस 2 ओवर द सी, चलेगा? कोई इसको 2 × 4 नहीं लिखेगा, पहले बता रहे हैं। हाँ 2 × 4 का मतलब R4 डायमेंशनल स्पेस होता है। आर 2 क्रॉस 2 ओवर सी, ठीक यहाँ से। एंड आयोटा आयोटा लो चाहे 2 आयोटा लो, जो तुम्हारी मर्जी बोलो, बिलोंग टू द फील्ड कैपिटल, ले लिया, चलो मल्टीप्लाई कर देखा। नाउ 2 आयोटा इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 2 × 4 4 आयोटा 2 × 3 6 आयोटा अच्छा 4 × 8 8 आयोटा अगला काउंट 16। ये बताओ क्या ये बिलोंग करेगा
आर टू प्लस टू ओवर द सिक्स बिलोंग करेगा। रीजन हमको सारी मैट्रिक्स कैसी चुननी है रियल, और मेरे पास कैसी आ गई कॉम्प्लेक्स। क्या एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड किया? नहीं का इम्प्लाइज दैट एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन डज नॉट होल्ड। एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड नहीं करता। हम तो इस बार ये टू क्लास टू हमारी मर्जी ना, टू क्लास थ्री ले सकते, हमारी मर्जी फोर क्लास थ्री ले सकते, जो मन वो ले सकते। और इंटरेस्ट बनाओ, बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होगा। पूरी बड़े इंटरेस्ट पर चल रही है, हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इतने ध्यान से समझाने पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भागने का है। भाग के दिखाए एक सवाल, भाग के दिखाए, अगले वाले में भाग जाएंगे, उसके बाद तुमको लगेगा गाड़ी निकल गई। इसीलिए तुम इतने ध्यान से पढ़ाते हैं, फिर भी तुम लोग सोच रहे ये बात नहीं चला कि क्या तुम लोग पगला गए एकदम से। मेरे बगल एक लोग दीपावली मना रहे थे, हाँ दीपावली मनाने में तुम लोग को बड़ी गंदी आदत है, उठाए पटाखा भरभर भरभर फोड़ दिए, ध्यान नहीं रखोगे क्या है क्या नहीं है। ठीक पढ़ाई फोड़ दिए उसी पटाखे में, उनको भी हम कहे, उनका लड़का रो रहा था पटाखे के लिए, पटाखे के लिए ला दिए पटाखा। हमसे कोई मेरे घर का लड़का रो करके देखे ना, एक बार करना क्लॉक वाइज तो एंटी क्लॉक वाइज घुमा दे, मांगा नहीं करेगा, पता ही नहीं मांगेगा। उनका मांगा ला दे पटाखा, दे दिए, लाए पटाखा, तीन चार लड़के थे पटाखा। कंडीशन सुनो कंडीशन, लोग सोचते ना विराट कोहली रोकेंगे तो आप कल्चर के खिलाफ पड़ जाओगे, दीपावली में ही ये ज्ञान क्यों दिया जाता है। नहीं तुम ज्ञान ना लो, तुम ज्ञान तब लोगे ना जब छुनछुना करके लगेगी अच्छे से, तब ज्ञान लोगे। वो लाए पटाखा दे दिए, तीन चार लड़के इन्हीं के घर तेरे पटाखा लगाए, एक रॉकेट छुआ दिए, भूलने तो छुआए गया, इनका छह साल का लड़का था उसी काफी घुस गया, फट गई आप छोड़ मना लिया थी। पढ़ आए भागते भागते मेरे पास कह रहे हैं कि अपने डॉक्टर का नंबर दे दो डॉक्टर। हम कहे हम रेगुलर चलती हुई बैच में मारे, हमको जब चोट लगी ना तो रेगुलर टाइम था, जब सारे अस्पताल रन कर रहे थे कोई छुट्टी दिन नहीं था, तब तो हमको खोजे डॉक्टर नहीं मिला। तुमको दीपावली दिन जब सारे लक्ष्मी पूजा कर रहे होंगे तो तुमको जाकर भी डॉक्टर मिलेगा, ले गए नंबर जबरदस्ती, कोई डॉक्टर नहीं मिला। पूरी दीपावली रात में लड़का बारूद आंख में लिया जाता था, ज्यादा चढ़ता है, मना लो दीपावली, मन गई साल भर का हो गया उनको, साल भर नहीं जय दीपावली आएगी, लड़का तो गया आंख तो गई, अब तो नहीं आने वाले रुसत पा गए। लेकिन नहीं अभी यही बतिया समझाओ कि लड़कों पटाखा ना दो, दो तो अपने रहने में तक आप नहीं ना, उसकी गलती नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है इधर उधर टहल रहा। बाकिया जो है शैतान तो बकिया है चांडाल पैदा हुए, वो लगा दिए उनको, यह है ना रॉकेट छुआ ये तो ऊपर ही जाएगा, ये पता ही नहीं है भैया ऊपर नहीं जाएगा, दाएं बाएं कहीं भी जाएगा नहीं। अब उनके लिए ना जिंदगी भर का जहां हो गया, हर दीपावली में हो यही है। ये खुद को समझना होगा कि आपके लिए फायदे लग गया, इधर आओ वापस चले जा, एक हुआ अगला सुनना, फिर दूसरा सुनो, दूसरा कैपिटल क्यू एन क्रॉस एन ओवर द आर, क्या ये बनाएगा, क्या ये बनाएगा, दैट इज, और इसके बारे में बता रहे हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन रेशनल मैट्रिसेस। क्या लगा है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू का मतलब आप सारी एंट्री कहां से भर रहे हो, रेशनल से, लेकिन फील्ड आप क्या ले रहे हो, अच्छा रियल की फील्ड में ना आप चुन करके एंट्री भर। सोचो आपने ये कहा कि फील्ड मेरी कौन है, इधर गौर करना फील्ड कौन है, आर की मैट्रिक्स आप कैसी बना रहे हो, रेशनल वाले चुन करके, मतलब रियल की पूरी फील्ड सजी पड़ी है और आप रियल की फील्ड में दो दुनिया पड़ी है, एक रेशनल की दूसरी कैसी इरेशनल की, आप इसमें से रेशनल ही चुन रहे हो। इवनिंग वाले हाथों पर पड़े, इवनिंग बैच एक दो तीन चार चार, हाँ सुन रियल की फील्ड से आप चुन किस कर रहे हो, केवल रेशनल रेशनल बस, इरेशनल को आपने छोड़ दिया और आप मैट्रिक्स का पूरा कलेक्शन बना ले। मतलब अब जिनको ये कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा वो लोग सुनो,
कंस्ट्रक्शन से आप सेट बना रहे हो, सेट में आप मैट्रिक्स भर रहे हो कितने की, एम क्रॉस एन की, लेकिन आप जो भी एंट्री करते हो ए वन वन ए वन टू सो ऑन ए वन एन चलते हुए ए एम वन ए एम टू सो ऑन ए एम एन, यहाँ आप जितनी एंट्री भर रहे हो वो सारी एंट्री आप कैसी भर रहे हो। हमने कहा क्या कोई मैट्रिक्स ऐसी लोगे जिसके अंदर में अंडर रूट टू आए, नहीं क्यों, रूट टू कैसा, अब कलेक्शन किसका, इनकार कर दिया कि नहीं, इसका मतलब जब जब आप इस सेट को बना रहे हो भले आप एलिमेंट कैपिटल आर से चुन रहे हो लेकिन कैपिटल आर से एलिमेंट चुनने के दौरान भी आपके दिमाग में बाउंडेशन है हम एक भी अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव अंडर रूट नाइन नहीं कर, अंडर रूट नाइन उठा लो, अंडर रूट नाइन बराबर कितना तीन, डेसिमल हो गया कि नहीं, वो उठा लो क्या, लेकिन आप रूट फाइव नहीं उठाओगे, अंडर रूट सेवन नहीं उठाओगे, माइनस अंडर रूट टू नहीं उठाओगे, सब कैसे हैं इरेशनल, आप पूरी कैटेगरी किसकी बना रहे हो, इरेशनल बना रहे हो। क्लियर हुआ, तो फील्ड आपको भरपूर दे दी गई है लेकिन आप बाउंड हो चुके हो, उस फील्ड के बीच से आप केवल चुन किसको रहे हो, रेशनल को चुन रहे हो, दैट इज द कलेक्शन ऑफ आर एम क्रॉस एन रेशनल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड कैपिटल आर, रियल फील्ड में से इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, आगे लिखना इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे एक्सप्लेनेशन, फिर से एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल करेगा, दिमाग चलना चाहिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल कराना है, फेल कराना है मतलब कुछ जोड़ तोड़ करके मैट्रिक्स के अंदर की एंट्री क्या बना दो, इरेशनल, अगर मैट्रिक्स के अंदर की एंट्री इरेशनल बन गई तो आपकी मैट्रिक्स रेशनल रह गई, नहीं रह गई, इसको घेरा मारो, एक्सप्लेनेशन फॉर कैपिटल ए इज इक्वल देखना टू थ्री फोर थ्री टू वन, बोलो कहां से लिया, कहां से चुना, समझ नहीं पाए, मेन सेट को देखो ना, सेट कहां से आ रहा है, इधर हम किसको इकट्ठा कर रहे हैं, अभी किसको इकट्ठा किया, चलेगा पर्टिकुलर से स्कार एंड अंडर रूट टू बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल आर, वहां से लिया, सोचो ये किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, वेक्टर का, ये किसका काम कर रहा है, वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर, और अब सोचना जो वेक्टर आएगा वो भी आपके ही सेट में आना चाहिए और ये बाहर चला जाए, अंतर आया कि नहीं, अंडर रूट टू इंटू ए इज इक्वल टू टू रूट टू थ्री रूट टू फोर रूट टू थ्री रूट टू टू रूट टू और अंडर रूट टू। अच्छा ये मतलब क्या इसके अंदर की एक भी एंट्री रेशनल आई, एक भी एंट्री रेशनल, और मेरा पूरा कलेक्शन किसका है, रेशनल का, तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल क्यू टू क्रॉस थ्री ओवर, कौन सा ऑपरेशन फेल हुआ, ऑपरेशन इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल, एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल, फिर से एक बार फेल हुआ एक्सटर्नल कंपोजिशन, नहीं पास हो जाएगा, पता है कैसे पास होगा, क्यू एम क्रॉस एन ओवर क्यू पास होगा, पता है कैसे, मेरे दिमाग में बस एक बात है, अंदर की इंद्री को ही ऐसा बदल दो ना वही आपको उसी सेट की नाम मिलेगी, पूरा रेशनल लो, ओवर द सी सुनना, ओवर द सी खुद से लिखना, ओवर द सी में आयोटा चुन लो, आयोटा चुनते सारे आयोटा के साथ आ गए कि नहीं, अपने चुन किसको रहते, रेशनल वाले, और आपने अंदर में क्या भर दिया, इरेशनल, कुछ बचा, गड़बड़ा गया मामला, इसका मतलब फिर वो एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल कर गया, इसका ना एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है ना इधर गौर करना, लेकिन हमेशा नहीं काम करता, कुछ एरिया तक ही काम करता, देखना एफ एम क्रॉस एन ओवर एफ
ये और ये अगर सेम टू सेम है ना, ये और ये सेम टू सेम है, अंदर की फील्ड सेम है और बाहर का सेट सेम है, बनाएगा पक्का बनाएगा। यानी अब कोई हमसे कहेगा ऐसा बाहर वाला जो है ना वो सुपर सेट हो, अंदर वाला कौन सबसेट तब भी बना लेता ना। जैसे हम कहें ये गौर करना आर एम क्रॉस एन ओवर द क्यू बना लेगा, मतलब बाहर बैठा दो फील्ड को अंदर बैठा दो जिसको सब फील्ड को बना लेगा। तो ये कहने से ज्यादा बेहतर होगा, ये कहने से ज्यादा बेहतर होगा ये कहना एस इज द फील्ड एंड एफ इज द सबफील्ड ऑफ एस, ये कहते ज्यादा बेहतर। ये अगर नजर आ गया ना तो पक्का बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अभी गौर करो, अभी बाहर कौन है कैपिटल क्यू, ऊपर एम प्लस एन मत देखो, बाहर कौन है क्यू, अंदर कौन है आर, कौन बड़ा है क्यू या आर, आर फील्ड है और क्यू कौन है सब फील्ड है। सब फील्ड कभी अपनी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना पाई, जब थ्योरम में नहीं बना पाई प्रॉपर के ऊपर तो यहाँ बना पाएगी, वो अलग बात है। एंट्री कहाँ से, ये पूरा कलेक्शन ना वास्तविक में ये कलेक्शन रेशनल का नहीं था, ये कलेक्शन था एम क्रॉस एन की रेशनल मैट्रिसेस का। लेकिन मेरा हिंट तो बस इतने से मिल गया, क्यू ओवर आर नजर आ गया, क्यू ओवर आर में क्यू कौन हो गया सब फील्ड, आर कौन हो गया फील्ड, और आगे हमने कह दिया कलेक्शन ऑफ एम क्रॉस बवाल हो गया कि नहीं। इसके बाद वाले में देखना, यहाँ देखना आर एम क्रॉस एन ओवर द सी, और कहीं ना जाओ आर और सी को देखो ये कौन है सब फील्ड और ये कौन है सब फील्ड, फील्ड के ऊपर जा पाई फिर फील्ड, इसीलिए ये फील्ड। अभी कुछ हिंट मिला, चले आगे धीमे धीमे। नहीं तुम लोग गड़बड़ काम करते हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, बहुत बेकार तुम लोग पूल करते हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, ये सबसे ना जिंदगी नहीं चलेगी। अभी तुमको लग रहा है चाहे जितना पूछे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, यहां से कुछ भी कह दिया जाए। अगर हम यहां से ये कह दें बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सब फील्ड है, इसका सब फील्ड को कहां होना चाहिए फील्ड को कहां होना चाहिए। अगर हम तुमसे कहें बनाएगा, सोचो ये फेल कर गया ये पास कर गया। अच्छा आपकी बात सुनो, ये बनाएगा, अच्छा यही हम ये कर रहे हैं नहीं बनाएगा, इनकार हो गया फ्लिप की अवस्था और कोई बात। अब आसान आसान चीजें तुम लोग ना पढ़ो, उनका हम कुछ कर थोड़ी सकते, मेरा काम खाली पढ़ाना है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुमको खोल के नहीं पिला सकते, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी को, हम तुमसे पहले कि तुमको नहीं समझ में आएगा, हम तुमको समझाने का 10 तरीका रखते हैं, तुमको 10 तरीके से बताएंगे, एंड द एक्सपीरियंस नाम मेरा एक्सपीरियंस है, हम तुमको 10 तरीके से, तुम पढ़ना नहीं चाहोगे तो तुमको कहाँ समझाएंगे, और फिर थोड़ा पिला फिर भी तुम लोग महाराजा बनते हो। जल्दी हरकतें मत पालो, बहुत जल्द सब काम है, सबसे कुछ होगा नहीं, आई बस सुनो चलो।
फिर शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक तो इस सब के चक्कर में छूट ही गया, एक सबसे फेमस वाला, सबसे फेमस मतलब जरूरी था। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सोच करके जवाब देना, बनाएगा कि नहीं। पी प्राइम है, हम कह रहे हैं नाम लिख दे रहे यार, पी इज प्राइम। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए ये बनाएगा नहीं बनाएगा, चाहे बाद में पहले तुमको ये पता होना चाहिए क्या जेड पी एडिशन मान लो पी मल्टीप्लीकेशन मान लो पी के साथ फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता, फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता। भाई काहे नहीं बनाएगा, ये फील्ड बनाएगा। ये देखो फिर छोल निकला, ये फील्ड बनाएगा बल्कि कभी तुम लोग तकलीफ देते हो यार, साबित कैसे होगा। अच्छा, कई लोग यही कह सोच रहे होंगे जेड पी क्या है, जेड पी बता दे। जेड पी इज द कलेक्शन ऑफ जीरो वन टू थ्री सो ऑन, किसी नंबर में पी से डिवाइड करो, किसी नंबर में पी से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, या तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा जीरो, या तो नहीं कटेगा रिमाइंडर कितना बचेगा वन, या तो रिमाइंडर कितना बचेगा दो, या तो तीन, क्या रिमाइंडर पी बच सकता है। पी बचने का मतलब वापस डिवाइड होकर कितना लगा जीरो, इसका मतलब जीरो से लेकर के पी माइनस वन तक रिमाइंडर बच सकता है। तो जेड पी कलेक्शन हो गया जीरो से लेकर के कहां तक, पी माइनस वन तक। क्लियर है इतनी बातें। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये ग्रुप थ्योरी की बात ना, अब तुमको बिल्कुल याद होनी चाहिए ग्रुप थ्योरी की बात, कि अगर आप लेते हो ए कॉमा बी बोथ बिलोंग टू द जेड पी, तो इसका मतलब होता है ए एडिशन मान लो पी बी, ए और बी को ऐड करो, सुनो ए और बी को ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसमें पी से क्या करो डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आएगा। वर्डिंग हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं, इसका आंसर होता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। क्या वर्डिंग यही इस्तेमाल किए कि नहीं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब, व्हेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। और ये बताओ ए प्लस बी कोई भी नंबर हो, बी से डिवाइड करने पर, बी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या दे सकता है, आइदर जीरो आर वन आर टू आर बी माइनस वन, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर दे रहा हो तो बताना, यही देगा। अच्छा यही देगा, तो ये बताओ सारे लोग इसी जेड पी में मौजूद है कि नहीं, तो ये कुछ भी आएगा उसी जेड पी में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, अब क्लोजर होल्ड कहेगा एसोसिएटिविटी के लिए हम इसके बता चुके हैं, एसोसिएटिव कैसे दिखाओ, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जेड पी, ए एडिशन मान लो बी बी एडिशन मान लो बी सी, क्या लिखते थे ए प्लस बी एडिशन मान लो बी या छोड़ो सही है गलत, यही लिखते आए हैं कि नहीं। और अब ये इंटीजर इंटीजर हो गए, वो लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और मान लो कितना बी, अब की क्या लिख सकते हैं ए एडिशन मान लो बी बी एडिशन मान लो बी सी, एसोसिएटिविटी हो गई कि नहीं, ये बता रहा है क्या इसमें जीरो बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब मुझको पता है ए एडिशन मान लो बी जीरो इज इक्वल टू अगेन कितना, कोई फर्क पड़ा, आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स की बात आई, इनवर्स की बात सुनो, इनवर्स अगर हम कहते हैं हमने एक एलिमेंट लिया ए, इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए, इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए कि एडिशन मान लो बी बी करने पर आइडेंटिटी क्या मिल जाए, मुझको पता है यहाँ जीरो मिलने का मतलब है, सुनो यहाँ जीरो मिलने का मतलब है ये दोनों जुड़ करके ना पी का मल्टीपल बना लेंगे, ये दोनों जुड़ करके पी का मल्टीपल बनाएंगे, पी का मल्टीपल होगा तो पी के मल्टीपल को पी से डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, और कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना स्टोरेगा जीरो। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हम ए एडिशन मान लो पी और पी माइनस ए बैठा दें तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्यों ए से ए कैंसिल आउट, अच्छा कौन पी, और पी में पी से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया जीरो। तो इसका मतलब जिस दिन आप जेड पी के अंदर में टहल रहे हो, जेड पी छोड़ो, जेड पी में आज तो पी प्राइम है क्योंकि उसको फील्ड बनानी है,
मल्टीप्लीकेशन के लिए बी ग्रुप बनाना, इसलिए मेरे पास पूरी है बी को प्राइम लेना। कल को अगर ये जेडीएन होता ना तो जेडीएन में हम बोले हम बीएससी फर्स्ट ईयर लिखते आए हैं इन द जेडीएन ए का एडिटिव इनवर्स एन माइनस कितना होता है, ए होता क्योंकि ये सर कितना है पल्ले पड़ी बात। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे कहे इधर को देखना, अगर कोई मुझसे कहे जेडेट में फाइव का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, पांच में क्या जोड़ोगे, सुनो पांच में क्या जोड़ोगे कि आठ से डिवाइड करो रिमाइंडर जीरो आ गया, तीन जोड़ोगे ना, तो फाइव प्लस थ्री एडिशन मान लो एट इज इक्वल टू कितना, ये कैसे मिला एट माइनस फाइव है कि नहीं। तो जिस एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स सही है उसी एलिमेंट को उसी मॉडुलो सिस्टम से क्या करें आपको कितना बनाया कि नहीं, सारा इनवर्स रखा कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा करेगा, सेम पांच प्रॉपर्टी आप दिखाओगे किसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई फर्क आएगा छोड़ो जाने दो, होगा कोई या तो एक्स्ट्रा क्लास पूछने के लिए कॉल करेंगे या अमेज़न वाले जूता लेकर आ रहे हैं वो कॉल करेंगे, वो आएंगे वापस लेकर के जाएं एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो चुकी है वो कॉल करेंगे। इतनी बातें क्लियर हूँ क्या, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एलियन ग्रुप दिखा पाओगे वो भी हम दिखाएं, हालांकि दिखाने का ये सबसे कमजोर तरीका जो हम दिखा रहे लेकिन अब तुम लोग मजबूर कर रहे हो, तुम लोग काहे नहीं किताब खोल ले रहे हो, प्रेम से कह रहे हैं नहीं खोल रहे हो, क्या कहें प्रेम से बोलो जय माता दी, फिर हम बोल दिए जय माता दी तो तुम्हारे लिए ना नरक भोगने वाला काम हो जाएगा, क्या चाहते हो नरक भोगना चाहते हो या प्रेम से सुनना चाहते हो, देखो धमकी भी हम कितने स्वीट अंदाज में दे रहे हैं, खुद सोच लो अपने आप से ना, किताब खोलोगे एक हफ्ते टाइम दे रहे, एक हफ्ते टाइम दे रहे, एक हफ्ते में आते सुधरते सुधरते सुधरे ना पटाखे बहुत फोड़े हुए हो अपना फूट गए हो उसी चक्कर में ना, एक हफ्ते में सुधर जाओ, एक हफ्ते में नहीं सुधरोगे तो हम सुधारने पाएंगे फिर छोड़ के भागोगे, फिर छोड़ के भागो अपने को गतिगम नहीं तुम छोड़ के चाहे जहाँ चले जाओ हमको गतिगम नहीं, रुकोगे तो तुमको पढ़ना पड़ेगा ये याद रखना, जान ही लो यार मैं चाहे उल्टी खोपड़ी होते हैं चाहे सेकेंड ईयर में मार खाना चाहते हैं, सेकेंड ईयर में कोई मार खाए ना पहले तो मास्टर गलत फिर पीट दे सेकेंड ईयर, लेकिन अब तुम लोग ये हरकत पाल रहे हो तो हमको पीटने पड़ेगा मजबूरी में, प्रेम से समझा रहे हैं, अभी भी किताब खोलने का मौका है, किताब खोलो दो चार एग्जाम्पल पढ़ो नहीं कुछ हला भला नहीं मिलेगा ना, वीरेंद्र तुमको बहुत जरूरत है ना, अब भी तुम हमसे भाग के भी नहीं जा पाओगे, फर्स्ट ईयर तुम चले गए थे हम बर्दाश्त कर लिए, सेकेंड ईयर तुमको खोज के लाएंगे बाकी नहीं खोजे, समझ आ रहा है, तो आउट तब समझ में आएगा ना जब तुम किताब खोलोगे, ईमानदारी से तो नहीं खोले तेरा किताब, हाँ किताब नहीं लिए हो लाइब्रेरी से निकलवाओ यार, लाइब्रेरी बनी किस लिए कि देवे नहीं कर रहे सर यहाँ नहीं पढ़ते, जहाँ पढ़ते भाई लाइब्रेरी से निकलवा लो यार, तुम पुरानी किताब खरीद लो, पुरानी किताब खरीद लो ना चलेगा, मेरे लिए नई पुरानी का भेद ही नहीं है, तुम सेकेंड हैंड खरीदो थर्ड हैंड फोर्थ हैंड खरीदो ना चल जाएगा ना, लेकिन तबियत उसको पढ़नी पड़ेगी बिना उसके नहीं चलेगा, अभी इधर आओ सुनो, अरे तुम लोग बहुत नौटंकी बात आदमी हो आपका, ये फील्ड बनाता है आज लिख लो इसको, ये फील्ड बनाएगा 100% बनाएगा, तुम प्रूफ करना कैसे बनाएगा, एडिशन मॉडुलो का हम दिखा दिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का तुम, हम फिर बता रहे हैं जिनको ग्रुप थ्योरी में ज्यादा दिक्कत आ रही है ना ग्रुप थ्योरी में कि ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा कि नहीं, यूट्यूब चैनल पे हम वन बाई वन वीडियो अपलोड कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी का, तुम सीखो चाहे जैसे सीखो, और नहीं सीखोगे जिस दिन हम थपड़ जाएंगे उस दिन बहुत बुरा थपड़ जाएंगे, ये प्रेम से समझा रहे हैं ये आप सुनो, अगर ये फील्ड बनाएगा अभी तो कुछ लिखा गया है बाहर फील्ड अंदर कौन सब फील्ड वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा, कोई भी फील्ड अपनी खुद की सब फील्ड होती है कि नहीं होती, तो जेड पी खुद की सब फील्ड है कि नहीं, इसका मतलब अगर हमने लिखा ना जेड पी एन क्रॉस एन ओवर द जेड पी ठीक, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, किसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स के एडिशन और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट बनाएगा, अगला इसको लगाना एग्जाम्पल लगाना, फिजिक्स कितने बजे से है अभी कितना हो रहा है, 3:15 हो गए
लिखना, एक लाइन लिख लो बस, उसका छोड़ो। तुम लोग हाँ पारापंथी वाला काम करते थे, काम करो लिखना जेड पी एम प्लस एन ओवर द जेड सी चल। और वेक्टर स्पेस, अब सुनना, इधर हम ऑपरेशन नहीं लिख रहे हैं लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए ऑपरेशन किसका, एडिशन मान लो पी और मल्टीप्लिकेशन मान लो पी का, क्योंकि आज अपनी फील्ड कैसी है मान लो की, क्लियर हुआ। पीछे भी हमने कहीं ऑपरेशन नहीं लिखा है तो पीछे मॉड्यूलो सिस्टम नहीं डील कर रहे हैं, तो पीछे फील्ड, पीछे नॉर्मल फील्ड है तो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन चलेगा। तो चीजें सीखो ऐसे, आई बातें समझ में, रोको इसी पर, कल सुबह मुलाकात करेंगे ठीक है, लेकिन अब धीमे धीमे दोहराना चालू करो। अब हम एक दिन यहीं बैठा के टेस्ट लेंगे, घर वाला टेस्ट बना यहीं बैठा लेंगे, तब सुधरोगे।